नागपुर में दृश्यम फिल्म की तर्ज पर एक हैरान कर देने वाला अपराध सामने आया है, जिसमें सेना अस्पताल में फार्मासिस्ट के रूप में तैनात अजय वानखड़े ने अपनी प्रेमिका ज्योत्सना की हत्या कर शव को बड़ी ही शातिराना तरीके से दफनाया। यह खौफनाक वारदात 28 अगस्त की रात की है, जब ज्योत्सना ने अजय पर शादी का दबाव बनाया था, जिससे परेशान होकर अजय ने हत्या की योजना बनाई। अजय जो पहले से विवाहित था और नागालैंड में तैनात था, ज्योत्सना को नागपुर के बेसा स्थित नीलकमल सोसाइटी में बुलाया। वहां से वह उसे बुटीबोरी के शमशान इलाके में ले गया, जहां उसने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद अजय ने शव को वहां के निर्जन परिसर में दफन कर दिया और जमीन पर प्लास्टर कर उसे उस जगह को मजबूत कर दिया, ताकि किसी को शक ना हो। इस बीच ज्योत्सना अचानक लापता हो गई तो उसके परिजन चिंतित हो गए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस की जांच के दौरान ज्योत्सना का मोबाइल लावारिस हालत में एक ट्रक चालक के पास मिला, जो उसे इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल से अजय तक पहुंचने की कोशिश की। गिरफ्तारी से बचने के लिए अजय ने सत्र अदालत और उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई, लेकिन दोनों जगहों से उसे कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार पुलिस के दबाव के चलते अजय ने बेलतरुड़ी थाने में आत्मसमर्पण किया। कड़ी पूछताछ के बाद उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने नागपुर एम्स के चिकित्सकों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से सोमवार को बुटीबोरी से ज्योत्सना का शव बरामद किया है। यह मामला नागपुर में सनसनी का विषय बना हुआ है। पुलिस स्टेशन बेलतरुड़ी में 28 अगस्त ये तारीख को रिद्धेश्वर आखरे नाम के एक 29 ईयर ओल्ड का लड़का अपने बहन मिसिंग है। बहन का नाम ज्योत्सना प्रकाश आखरे, 32 ईयर्स की महिला। वो नागपुर में बेसा चौक में एक अपार्टमेंट से रूममेट के साथ रूम शेयरिंग पे रहती थी। वो वहाँ से मिसिंग थी 28 अगस्त रात के 8:30 वाजता से मिसिंग है बोल के उसने 29 अगस्त को कंप्लेंट दिया था। उस कंप्लेंट पे मिसिंग केस दाखिल हुआ पुलिस स्टेशन बेलतरुड़ी में, एंड पुलिस ने सीरियसली परस्यू किया केस को। विदिन 2 वीक्स पुलिस को थ्रू टेक्निकल एविडेंस कलेक्शन, जैसे सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर एनालिसिस, टावर डंप एनालिसिस एंड लड़की के भाई ने जो क्लूज दिया, लड़की के फ्रेंड्स लिस्ट हो या फिर जहाँ पे भी वो काम करती है उन पर्संस का लिस्ट सबसे इंटरोगेशन करते हुए एक कंक्लूजन पे आया पुलिस की एक आर्मी में काम करता हुआ फार्मासिस्ट नाम अजय वानखड़े, जो अप्रोक्सीमेटली 34 ईयर्स का आदमी है, वो प्राइम सस्पेक्ट निकला। एंड उसका बैकग्राउंड ऐसा है विथ रेस्पेक्ट टू ज्योत्सना कि वो दोनों शादी.com पे कुछ 1-1.5 साल पहले मिले थे। फैमिलीज का भी एक दूसरे से परिचय हुआ, ज्योत्सना आखरे का फैमिली एंड अजय वानखड़े का फैमिली, और वो आदमी नागपुर का रहने वाला है। एंड उसने कैलाश नगर में रहता है वो, और वो नागालैंड में पोस्टेड है, और उसने भी पुलिस के साथ इनिशियली कोऑपरेट किया। तो उसका एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस वगैरह करने पे उस पर थोड़ा संशय हुआ था कि कहीं वो ज्योत्सना से अभी भी टच में है, जबकि ज्योत्सना के भाई ने बोला कि उनका शादी का रिश्ता पहले देखा बट जमा नहीं है, दोनों सेपरेट हो गए थे। बट कहीं ना कहीं वो प्राइम सस्पेक्ट इसलिए भी निकला फॉर 3 रीजंस। एक, वो ये घटना, मिसिंग घटना होने के 3-4 दिन बाद हॉस्पिटलाइज हुआ है एंड हॉस्पिटल है उसका पुणे में। सेकेंड, 28 नाइट को उसके कुछ फोन नंबर्स उसी लोकेशन दिखा रहे हैं जहां से लड़की का लास्ट लोकेशन 28 नाइट को था। थर्ड, अजय वानखड़े और उसके
जो फोन रिकॉर्ड्स है उसके पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स है सब लड़कियों का है, और बहुत कॉन्वर्जेशंस उसका ऐसा दिखाते हैं कि प्रोबेबली मेनी गर्लफ्रेंड्स। सो कैरेक्टर वाइज एंड पोस्ट इंसिडेंट बिहेवियर वाइज एंड टेक्निकल एविडेंस विच इज लास्ट लोकेशन, ये तीन रीजंस के वजह से वो प्राइम सस्पेक्ट निकला। बाकी ये बात रह गया था पता करने की कि व्हाट वाज द मोटिव, अगर वो पहले ही सेपरेट हो गया था। सो अजय वानखड़े के बैकग्राउंड देखा गया था इन डिटेल, उसमें हमको ये पता चला कि वो थर्ड वाइफ ढूंढ रहा था 1-1.5 साल पहले थ्रू शादी.com। उसको ऑलरेडी 2 शादियां एंड 2 डिवोर्स हो चुके थे, एंड सिमिलरली इस तरफ ज्योत्सना आकरे सेकेंड हस्बैंड के तलाश में थी थ्रू शादी.com। उसको ऑलरेडी शी वॉज 1 टाइम डिवोर्स। एनीवे, सो अजय वानखड़े के पीछे हमारा पीएस बेलथरोडी का टीम डेडिकेटेड वे में परस्यू किया। हमने पुणे सदर्न कमांड हॉस्पिटल के जो आर्मी पुलिस है, आर्मी डॉक्टर्स है उस एरिया के, उनसे संपर्क में रहे कि वो डिस्चार्ज होते वक्त हमारे कस्टडी में दिया जाए इस विषय पे। बट 4th ऑफ अक्टूबर, जब हम डिस्चार्ज के दिन आरोपी को कस्टडी में लेने के लिए गए थे, उस वक्त वो हॉस्पिटल से फरार हो गया था। ना आर्मी पुलिस के हाथ में आया, ना हमारे नागपुर सिटी पुलिस के हाथ में आया था वो, विच काइंड ऑफ कन्फर्म्ड कि इसने कुछ किया है लड़की के साथ। एंड इससे जस्ट पहले अराउंड 18th ऑफ सितंबर, लड़की के भाई जो इनिशियल कंप्लेनेंट ऑफ मिसिंग केस रिद्धेश्वर आखरे, वो पुलिस को अप्रोच किया एक अर्ज देके कि अभी 20 दिन हो गया है, 3 हफ्ते हो गया है मेरे बहन मिसिंग हुए, तो हमको संशय है कि उसके साथ कुछ घातपात हुआ है, कुछ गंभीर इंसिडेंट हुआ है। इस विषय पे हमने कलमवाड़ करके मिसिंग से एक FIR दाखिल किया, 140(1) BNS। उसमें कंटेंट ये है कि लड़की का अबडक्शन हुआ विद द इंटेंशन टू कॉज सम सीरियस हार्म, एंड उसके बाद लाइक आई सेड 4th अक्टूबर को वो जब हर जगह से फरार हो गया, अपना फोन भी, फोन्स जितने भी वो यूज कर रहा था सब पुणे में छोड़ के वो खाली हाथ फरार हो गया था। तो हमारा डाउट्स और बढ़ गए उसके तरफ से, एंड उसने 2 एंटिसिपेटरी बेल एंड अपील दो कोर्ट्स में डाला था। वो पुलिस ने अपना गैदरिंग ऑफ एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करके अच्छे तरीके से दोनों लेवल्स पे बेल कैंसिल करवाया, एंड अराउंड 16th ऑफ अक्टूबर वो कैंसिल होने के बाद आई थिंक अक्यूज्ड को समझ में आ गया कि वो अभी हमारे हाथ से छूटेगा नहीं, सभी पीछे पड़े हुए हैं। तो वो खुद ब खुद 18th ऑफ कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पान, CBC News नागपुर।